17 जून को गुजरात के समुद्री तटों से टकराएगा तूफान। ये बड़ी जानकारी चक्रवात को लेकर सौराष्ट्र कच्छ में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात। 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश का अलर्ट, समंदर से दूर रहने की हिदायत है। तटीय इलाकों में 16 जून तक धारा 144 लागू। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और देखिए इसका असर राजस्थान में भी नजर आएगा और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन में ये नजर आ सकता है। 14-15 के बाद आपको यहाँ पर भी तूफान की स्थिति दिख सकती है। 15 जून को गुजरात के समुद्री तटों से तूफान टकराएगा। चक्रवात को लेकर सौराष्ट्र कच्छ में एनडीआरएफ की 7 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश का अलर्ट, समंदर से दूर रहने की हिदायत। तटीय इलाकों में 16 जून तक धारा 144 लागू है। और आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की है और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर इतनी संवेदनशीलता और गंभीरता बरत रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जब ये समुद्र तट से टकराएगा, सौराष्ट्र से गुजरात से टकराएगा, तो उस दौरान किस तरह की स्थिति होगी और उसको लेकर धारा 144 लागू है। प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बैठक ले रहे, समीक्षा बैठक उन्होंने ली है और इस समीक्षा बैठक में तमाम तैयारियों के बारे में जायजा लिया, निर्देशित किया गया क्योंकि अभी से ही इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये भयंकर रूप लेने लगेगा और ऐसा माना जा रहा है कि 15 जून तक इस तूफान के गुजरात के मांडवी, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्र तट पर और पाकिस्तान के कराची के पास तटों से टकराने की आशंका है। और देखिए जब इतना तेज ये तूफान होगा तो ऐसे में राजस्थान में भी इसका असर पड़ेगा और राजस्थान में भी मौसम बदलेगा। हालांकि अभी 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है, गर्मी पड़ने वाली है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से इस तूफान की वजह से गर्मी में कमी आएगी और तूफान की वजह से यहां पर भी बारिश का असर, मौसम में बदलाव नजर आएगा। तो बारिश का अलर्ट है, तटीय इलाकों में 16 जून तक धारा 144 लागू है। 15 जून को गुजरात के समुद्री तट से ये टकराएगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। विपर्जॉय तांडव मचाने वाला है। बारिश का अलर्ट, समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। तटीय इलाकों में 16 जून तक धारा 144 लागू की गई है और ये इतना तेज होगा कि इसका असर दूसरी जगहों पर भी नजर आएगा। और दिल्ली से सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ खबर पर जुड़ गई हैं। कनिका, क्या कुछ जानकारी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ समीक्षा बैठक में रहा है, क्या कुछ तैयारियों को लेकर उन्होंने निर्देश दिया है? देखिए बिल्कुल बेघा, जिस तरह से चक्रवात तूफान जो है तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 15 जून के दौरान जो है इस तूफान में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, 150 किलोमीटर की रेंज से जो है हवाएं तेज हो जाएंगी। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई जिसमें गृह मंत्री समेत एनडीआरएफ के लोग और सीनियर जो ऑफिसर हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, पूछा जा रहा है एनडीआरएफ की टीम से और तभी तमाम अफसरों से कि क्या कुछ जो है सुविधाएं बनाई गई हैं, किस तरह से पूरा जो है मामले को समझाया जा रहा है क्योंकि जो समुद्री तट पे लोग रहते हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। लगभग जो गुजरात के समुद्री इलाके में लोग रह रहे हैं उनको एनडीआरएफ की टीम ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है और लगभग कई लोगों को वो लोग वहां से हटा चुके हैं। उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक में तमाम रिपोर्टों का जायजा ले रहे हैं, तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और आगे की रणनीति को लेकर मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार एनडीआरएफ और जो लोकल टीम है वो किस तरह से इस तूफान की तैयारी कर चुकी है और क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह से इस तूफान को रोका जाएगा क्योंकि मौसम विभाग ने ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र में जो है येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि 15 जून के बाद जो है राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इसका जो है एक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल कनिका, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए जैसा आप कह रही है कि अभी भी बैठक चल रही है, अब इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है? क्योंकि देखिए अगर महाराष्ट्र की तरफ, राजस्थान, इन तमाम जगहों पर इसका असर होगा तो इसके लिए तैयारियां भी बहुत मजबूती के स्तर के साथ चाहिए होंगी। देखिए बिल्कुल मेघा, अगर हम इस बैठक की बात करें तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री समेत एनडीआरएफ के तमाम जो सैनी हैं, जो जवान हैं, वो मौजूद हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम जो है वहां पे मौजूद है, उनके साथ साथ सीनियर ऑफिसर्स भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिरकार किस तरह से पूरी स्थिति को जो है कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया और कहा गया है कि 15 जून के बाद जो है 150 किलोमीटर की जो स्पीड है उसके साथ जो है तेज हवाएं चलेंगी और मौसम में परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।